अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम्स केएससी 100 इंडेक्स अपडेट। केएससी 100 इंडेक्स ने आज 531 पॉइंट्स लूज किए हैं और इंडेक्स क्लोज हुआ है 43,691 के लेवल पे। मार्केट में अगर पार्टिसिपेशन की हम बात करें तो 188.32 मिलियन वॉल्यूम्स का आज बिजनेस हुआ, जो कि कंपैरेटिव सेशन से बहुत ज़्यादा कम है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमारे पास 231.67 मिलियन वॉल्यूम्स का बिजनेस हुआ था और आज मेयरली जो है वो 188.32 मिलियन वॉल्यूम्स का बिजनेस हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो साइड लाइंस में रहे हैं और मार्केट को उन्होंने सिर्फ देखना जो है वो बेहतर कंसिडर किया है रादर देन टेकिंग न्यू पोजीशंस। मार्केट की ओपन की बात करें तो 44,274 पे मार्केट ने ओपन किया, 44,222 का आपका लास्ट क्लोज था और 274 पे आज ओपन हुई। मार्केट ने हाई देखा 201 पॉइंट्स का 44,424 का और मार्केट ने जो लो देखा है वो 602 पॉइंट्स का है, जो कि 43,620 का लेवल बनता है। स्पेसिफिक स्टॉक्स की अगर बात करें तो 25 स्टॉक्स की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, 67 की डिक्रीज हुई हैं और 8 की प्राइसेस अनचेंज रही हैं। सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आपके पास इंश्योरेंस ने, पेपर एंड बोर्ड ने और लेदर्स ने जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड किए। और नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमने देखा वो टेक्नोलॉजी में, सीमेंट में और फर्टिलाइजर में आया है। कंपनी वाइज अगर बात करें तो कंपनी वाइज UBL ने, MEBL ने और AICL ने सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड किए हैं और नेगेटिव साइड पे आपके पास TRG ने, सिस्टम्स ने और लकी सीमेंट ने सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए हैं। डेली चार्ट्स की अगर बात करें तो डेली चार्ट्स में हमारे पास 32.55 का RSI भी अवेलेबल है और मार्केट ने 100 डेज की मूविंग एवरेज के करीब जो है वो वहाँ पे जो है आपकी सपोर्ट लेने की कोशिश की है। हमारी अभी जो सपोर्ट अवेलेबल है 43,655 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे पास ये अवेलेबल है और अगर मार्केट ने इसे ग्रिल कर दिया तो फिर हमारे पास जो सपोर्ट लेवल्स बनेंगे वो 42,795 का और 42,559 का लेवल बनेगा। तो 43,655 से ऊपर ऊपर मेंटेन और सस्टेन करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अदरवाइज हम देखेंगे कि फिर आपके पास फ्रेश स्प्री ऑफ सेलिंग आ सकती है। अगर 43,655 टूट गया तो फिर जो है हमारे पास 42,795 और 42,559 का जो एरिया है वो भी एक्सपोज हो सकता है। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 43,960 की पहली रेजिस्टेंस है और उसके बाद 43,383 का जो लेवल है वो आपकी रेजिस्टेंस सर्व करेगी। अगर मार्केट 44,383 से ऊपर चली जाती है तो फिर इंशाल्लाह हम अपने लिए 45,254 का लेवल ओपन होता हुआ देखेंगे। लेकिन कल के सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि 43,655 का लेवल जो है वो मेंटेन हो जाए। अगर ये मेंटेन हो जाता है तो ही हम देखेंगे कि अगर आपके पास जो है बाइंग ना भी आना स्टार्ट हुई तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अदरवाइज हम देखेंगे कि अगर 43,655 टूट गया तो फिर 42,795 और 42,560 की सतह भी एक्सपोज हो सकती है। ये जो रीजन है आपके पास 42,560 से लेकर आपका 42,795 का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपकी सपोर्ट्स लाई करती हैं, यहाँ पे रिट्रेसमेंट्स भी अवेलेबल हैं जिसकी वजह से बहुत सिग्निफिकेंट एरिया ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि अगर 43,655 रिस्पेक्ट ना हुई तो फिर यहाँ पे जो है वो आपकी सपोर्ट लेवल्स बनेंगे। इंट्राडे लेवल की अगर बात करें तो इंट्राडे लेवल में सुबह मार्केट ने कुछ पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश की बट फेल हो गई। एक्सट्रीमली आपकी जो ओवरसोल्ड कंडीशंस हैं, 31.09 का आपका RSI है, उसकी वजह से मार्केट ने जो है कल की जो सिचुएशन जहाँ पे क्लोजिंग दी थी वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा RSI अगेन इसी लेवल पे, इससे कम लेवल पे थोड़ा अवेलेबल था तो वहाँ से जो है वो हमने देखा कि कुछ पॉजिटिविटी आने की कोशिश हुई लेकिन फिर वॉल्यूम सपोर्ट ना कर सके जिसकी वजह से अगेन मार्केट फेल हो गई। इंट्राडे लेवल्स की अगर बात करें रेजिस्टेंस को तो 43,882 की सतह रेजिस्टेंस है और उसके बाद 44,416 का बड़ा डिसाइसिव लेवल आपके पास अवेलेबल है। अगर हम 44,416 जो है वो क्रॉस कर जाते हैं आपके पास इंट्राडे लेवल में तो फिर हमारे पास कोई जो है वो सस्टेनेबिलिटी आना स्टार्ट होगी। अदरवाइज हमारे पास जो सपोर्ट लेवल्स अवेलेबल हैं वो 43,357 का और 43,150 का लेवल जो है वो एक्सपोज रहेगा। सेलिंग जो हमने देखी है वो बहुत ज़्यादा आई, जो मेन सपोर्ट लेवल्स थे आपके उसके बाद मार्केट ने बहुत ज़्यादा सेलिंग देखी। 50 DMA तोड़ने के बाद एकदम 100 DMA की तरफ आना तो हो सकता है कि अभी सेलिंग कंटेन होना स्टार्ट हो जाए आपके पास। जो लेवल हमने डिस्कस किया है 43,655 का, अगर यहाँ कंटेन हो जाती है तो बहुत बेहतरी है। अदरवाइज हम देखेंगे कि मार्केट तेज़ी से 42,559 से लेकर 42,795 की तरफ आएगी और वहाँ पे हम इंशाल्लाह जो है वो अगर हमारे पास फ्रेश बाइंग ना भी आई तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगी।
दिस वुड बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। उम्मीद है कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने आपको हेल्प करने की कोशिश की है, और अगर आपको लगता है कि हमारी ये काविश जो है आपको हेल्प कर रही है टू प्लान और स्ट्रेटजाइज योर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, तो आई रिकमेंड कि आप जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली मैनर में आपको मिलती रहे। अंटिल नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।